सामना करना पड़ेगा अपोजिशन को इंशाल्लाह। और अभी खबर यह आ रही है कि पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद को पार्लियामेंट में जाने से रोक दिया गया है। असेंबली स्टाफ का कहना है कि रुकन पार्लियामेंट और मीडिया के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि हम अपने अरकान से यकजहती करने आए हैं, बतौर साबिक रुकन हमारा हक है। स्पीकर से इससे मुतालिक बात करेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, अंदर जाने की इजाज़त है? देखिए जी, एक एक्सएमएन का प्रिविलेज होता है, या कानून पास हुआ था कि एक्सएमएन के भाई वही प्रिविलेज है जो सिवाय अंदर हॉल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्पीकर साहब ने या कुछ और लोगों ने पाबंदी लगाई है तो हम उसकी अमल दरामद करेंगे उस पाबंदी पर। अच्छा, कोई पहले से बात नहीं हुई थी स्पीकर साहब से या हुकूमती? मेरे ख्याल में आज उनका आखिरी दिन है, हम क्या जबरदस्ती करेंगे, जाते हुए से हम नहीं लड़ रहे। अच्छा, अभी आपको रोका गया है अंदर जाने से? हाँ जी, क्या कहा गया है गेट पे कि जी आप अभी स्पीकर साहब से बात करें, स्पीकर साहब की इजाजत आएगी तो ना चल जाए। हम मैसेज देंगे कि अल्लाह करे आज का दिन अमन के साथ गुजर जाए, और हम अपने मेम्बरान के साथ ज़्यादा जगजेती के लिए आए, वो अंदर बैठ के करें या इधर बाहर बैठ के करें, ये असेंबली का आता है। तो आज पार्लियामेंट में बात करते हैं इसी पर। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, बताइए क्या इसके बाद नदीम अफजल चंद को अंदर जाने की इजाज़त दी गई या फिर नहीं?